हेलो तो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इन्वोल्यूट ऑफ सर्किल हैविंग डाया 50 mm। तो इस टाइप से हमारे पास इन्वोल्यूट बनाना है एक सर्किल का जिसका डायमीटर 50 mm है। सबसे पहले हम 50 mm डायमीटर के बराबर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से इसका डायमीटर 50 mm है, यानी जो रेडियस है वो 25 mm है। तो हम 25 mm रेडियस ओपन करके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 25 mm है। ये हमने 25 mm यहाँ पर डिस्टेंस मेजर किया, 25 mm, ये 25 mm है, 25 mm, और इसका फिर हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये सर्कल है 25 mm रेडियस का सर्कल है। अब इस सर्कल को हमें इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमीटर पहले ड्रॉ करना पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो है खींच दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, फिर इसका वर्टिकल डायमीटर खींच देंगे। तो यहाँ से ये इसका वर्टिकल डायमीटर है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमीटर की हेल्प से ये डायमीटर के जो एंड है इसको सेंटर मान के हम इस तरीके से आर्क काट देंगे। ये जो आर्क है रेडियस के बराबर ओपन है और हर एक एंड से दोनों साइड आर्क काटेंगे। और इस तरीके से दोनों साइड आर्क काटने से ये जो हमारा सर्कल है इस सर्कल इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको सेंटर मान के ये और ये हमारे सर्कल के इक्वल 12 डिविजन्स मिल चुके हैं। इन 12 डिविजन्स को हम इस तरीके से मिला देंगे और 12 डिविजन्स ये और यहाँ से ये और यहाँ से ये ये 12 डिविजन्स मिल गए। 12 डिविजन्स की हम नंबरिंग कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। अब हमारे पास ये 12 डिवीजन से ये 12 रेडियस हो गई और इस हर एक रेडियस से हमें इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास हमारा मिनी डॉक्टर है। इस मिनी डॉक्टर की हेल्प से हम इजीली टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस मिनी डॉक्टर की जो स्केल है स्केल को हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद इस स्केल का जो एक वर्टिकल स्केल है उस स्केल को एक रेडियस जो है हमारी उस रेडियस से पहले रखेंगे और दूसरी स्केल उस रेडियस पे इस तरीके से टेंजेंट लाइन खींचेगी। तो हमें सारी रेडियसों पे इस तरीके से टेंजेंट लाइन खींचना है। हम इसको ये टेंजेंट लाइन खींच देंगे ये देखिए ये 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 ये
ये ये ये ये इस तरीके से सारे पॉइंटों पे हमने टेंजेंट की थी। टेंजेंट खींचने के बाद इनको हमें इनवोल्यूट में कन्वर्ट करना है। इनवोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट ए को सेंटर मान के जीरो से जो पॉइंट वन को सेंटर मान के रेडियस वन को सेंटर मान के पॉइंट जीरो से एक आर काटेंगे जो कि टेंजेंट वन है उस पर मिलेगी। तो इस तरीके से हम अपना प्रकार सेट कर लेंगे। वन से को सेंटर मान के ये जीरो से ये टेंजेंट वन पर आर काट दिए। अब हम रेडियस टू पे सेंटर मान के इसी आर को आगे की भी ये होल है पॉइंट वन को सेंटर मान के और ये जीरो से यहाँ तक हम आर काट देंगे। इसके बाद पॉइंट टू को सेंटर मान के इसी आर को आगे बढ़ाएंगे। ये पॉइंट टू है इसको सेंटर मान के इस आर को टेंजेंट जो हमारी वन है वहाँ तक ले जाएंगे। इसके बाद सेंटर पॉइंट रेडियस थ्री को सेंटर मान के इसी आर को हम आगे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। इसके बाद रेडियस फोर को सेंटर मान के इस आर को एक्सटेंड करेंगे और उसी की टेंजेंट फोर की टेंजेंट तक ले जाएंगे। अब रेडियस फाइव को सेंटर मान के उस आर को आगे एक्सटेंड करेंगे और इसकी जो टेंजेंट है फाइव उस तक ले जाएंगे। इसके बाद पॉइंट रेडियस सिक्स को सेंटर मानेंगे इस आर को रेडियस टेंजेंट सिक्स तक ले जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद सेवन को सेंटर मान के इस आर को इस तरीके से दो मिनट और लगेंगे। इसके बाद एट को सेंटर मान के फिर नाइन को सेंटर मान के फिर टेन को सेंटर मान के इलेवन को सेंटर मान के और फिर ट्वेल्व को सेंटर मान के ये हमारा इस तरीके से इनवोल्यूट कंप्लीट हो जाता है किसी भी सर्किल का। और फिर इस सर्कल के जो पॉइंट्स इनके हम नंबरिंग कर देंगे हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे यहाँ से ये जो पॉइंट्स है ये हमारा पी जीरो पॉइंट्स है ये पी वन है पी टू है पी थ्री पी फोर पी फाइव पी सिक्स पी सेवन पी एट पी नाइन पी टेन पी इलेवन और पी ट्वेल्व ये हमारे किसी सर्किल का इनवोल्यूट ड्रा हो गया। ये हमारे किसी सर्किल का इनवोल्यूट ड्रा हो गया जिसका डायमीटर 50 mm है इसका इनवोल्यूट।